दोस्तों आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ वशीकरण के तरीके। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे आसान से तरीके जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। कागज पर नाम लिखकर वशीकरण करने का आसान तरीका। आज हम आपको वशीकरण के टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप कागज पर नाम लिखकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग किसी को अपने काबू में करने के लिए अलग अलग तरह के टोटके का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे प्रयासों के बाद भी उस व्यक्ति का वशीकरण नहीं होता तो वो हार मान लेते हैं। तो आइए जानते हैं वशीकरण करने का ये तरीका। दोस्तों इसमें आपको लड़की का नाम लिखकर वशीकरण करने के तरीके में आपको लड़की को अगर चाहते हैं, उस लड़की को अपने काबू में करना चाहते हैं, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं तो लड़की का नाम लिखकर वशीकरण करने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उस लड़की से परिचय होना चाहिए। जब भी आप उस लड़की का वशीकरण करने जाएंगे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ये क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी है क्योंकि इससे आपके वशीकरण करने की क्रिया को नजर लग सकती है और आपका वशीकरण करने का तरीका व्यर्थ हो जाएगा। किसी औरत का वशीकरण करने के लिए सबसे पहले उस औरत ने उस दिन में क्या कपड़े पहने हैं ये जानना जरूरी है और उस लड़की ने या फिर उस औरत ने अगर लाल रंग का ड्रेस या साड़ी पहना है तो बाजार में से लाल रंग का कागज लेकर आना है। आपको कागज का आकार कुछ इस तरह करना है कि उस पर लड़की का पूरा नाम आप लिख सकते हैं। कागज को उसी दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में गाड़ देना है। वहाँ पर आपको एक मुट्ठी चावल के दाने बिछाने हैं और उसके बाजू में इस मंत्र का इस्तेमाल करके एक अगरबत्ती उसके साथ में लगा देनी है। अपने घर की ओर से निकलना है। कभी भी घर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। इस वशीकरण करने की क्रिया का इस्तेमाल करने से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति आपके करीब आने के लिए पागल हो जाएगा। इस वशीकरण क्रिया का इस्तेमाल आप अपने गर्लफ्रेंड को काबू में पाने के लिए, बॉयफ्रेंड को काबू में करने के लिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस वशीकरण का इस्तेमाल अपनी पत्नी को वश में करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो वशीकरण का इस्तेमाल करके अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं जिससे वो आपकी हर बात सुनेगा और कभी भी किसी दूसरी औरत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आया हो तो इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल करें साधु बाबा को। उनका नंबर है +91982951512। जी हाँ, अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे साधु बाबा। तो कॉल लगाइए और तुरंत उनसे बात कीजिए अभी।